नमस्कार। त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्नावली 15.2 का यह पार्ट वन वीडियो है। प्रश्न संख्या एक है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब देखते हैं ये कैसे हल किया जाता है। ये मैं ए नंबर बना रहा हूं। घनाभ का आयतन। इससे पहले मैं बता दूं कि घनाभ किस तरह का होता है। आप अपने आसपास इस आकृति को, बहुत सारे आकृतियों को देखते होंगे। जैसे कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं। ये मैं जो बना रहा हूं, देखिए ये क्या है, थोड़ा गेस कीजिए। थोड़ा तिरछा बन गया है ये कुछ पता चल रहा है क्या है? बिल्कुल सही, ये बॉक्स की तरह है। बॉक्स ही भी कह सकते हैं आप। बॉक्स देखते हैं, डस्टर देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखते हैं, ये सारे घनाभ की आकृति के होते हैं। इसमें ये जो भुजा है, ये लंबाई होती है L, और ये जो भुजा है ये चौड़ाई होती है B, और ये भुजा होता है ऊंचाई यानी H। तो ये घनाभ की आकृति है। तो घनाभ की आकृति का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई यहां दिया हुआ है 6, चौड़ाई है 3 और ऊंचाई है 2, यानी 6 तिहाई 18 दूनी 36 मीटर क्यूब। आयतन में हमेशा ये क्यूब होता है। ठीक इसी तरह से आप बाकी बी सी डी को बिल्कुल आराम से बना लेंगे। अब प्रश्न संख्या दो देखते हैं, घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप नीचे दी गई है। तो आप ऐसे कुछ घन का नाम बता सकते हैं, जो घन की ऐसे ऐसे चीजों का नाम बता सकते हैं जिनकी आकृति घन जैसी होती है। आप लूडो खेलते हैं, लूडो में जो पासा होता है इस तरह का, ये पासा इसी तरह का होता है, जिसे आप इस तरह का पासा होता है। तो ये घन की आकृति है। घनाभ और घन में क्या फर्क है? घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन घन में ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है, जिसे हम सिर्फ भुजा कहते हैं। तो ए नंबर, घन का आयतन। चूंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है और इसे भुजा कहते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, अर्थात भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो ये पहला ए में है 7, तो 7 का क्यूब यानी 7 गुना 7 गुना 7, तो ये आता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक इसी तरह से आप बाकी बी सी डी बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले बेलन की आकृति बना देता हूं कैसा होता है। आप बिल्कुल बहुत सारी चीजों को देखते हैं अपने आसपास। मैं एक बना रहा हूं, आप गेस करके बताएंगे कि कौन सी आकृति जैसा ये दिख रहा है, कौन से चीज आप देखते हैं इस तरह की। ये ड्राम आप देखते हैं, देखिए ड्राम है, ग्लास, ऐसा ग्लास जिसका आधार का यहाँ पर जो त्रिज्या होता है और ये त्रिज्या बराबर है, तो ये है बेलन की आकृति। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक ए नंबर बना रहा हूं,
बेलन का आयतन। इसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो आर है ये त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, ये आधार वृत्त है। देखिए आधार जो है एक वृत्त है और इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है ये भी वृत्त है, दोनों बराबर है। तो ये जो त्रिज्या है इस आधार की यही आर है, और ये ऊंचाई है, ये यहां से लेकर यहां तक ये ऊंचाई है, ये जिसे हम h नाम दे रहे हैं। तो पाई का मान है 22/7, और ये r कितना दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर, और h है 7। तो अर्थात 22/7 × 7 × 7, ये 7 स्क्वायर हो गया, और गुना 7, तो ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 22, और ये 7 × 7 करेंगे तो 1075 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर देखिए बी नंबर में व्यास दिया हुआ है, तो इस व्यास को जब हम आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी, और फिर फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। देखिए मैं यहां पर हिंट दे दे रहा हूं, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो यहां पर व्यास है 20/2, तो ये त्रिज्या हो जाएगी, यहां पर त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये सी नंबर में त्रिज्या हो जाएगी कितनी, ये त्रिज्या हो जाएगी अगर हम 7 को आधा करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। बाकी तो फॉर्मूला आपको मालूम है, इस फॉर्मूला पर निकालेंगे। अब डी नंबर देखते हैं, डी नंबर में हमें आधार की परिधि दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। तो ये जो सूचना हमें दी हुई है, ये जो इंफॉर्मेशन है आधार की परिधि, तो इससे हम इसी सूचना, इसी जो दी गई है इसी के आधार पर हम इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। डी नंबर आधार की परिधि बराबर 11 सेंटीमीटर, या अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। आधार की परिधि क्या होती है आपको याद होगा, वृत्त के आधार की परिधि। तो आधार की परिधि मतलब ये आधार है, वृत्त है, तो वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर बराबर 11, या आर बराबर 11/2 पाई। इधर यहां गुना में है तो यहां पर नीचे आ गया, हर में आ गया, तो ये 11/2 × π का मान है 22/7, तो ये हो गया 11/2 × 22, और ये जो नीचे 7 है ये घूमकर ऊपर आ जाता है, तो ये 11 का 11, 11 × 2 22, तो ये आ गया 7/4। तो ये हमें त्रिज्या मिल गई 7/4। तो अब हम सीधे इसका फॉर्मूला में बैठा देते हैं, बेलन का, इसलिए बेलन का आयतन तो ये है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान है 22/7, आर का मान हमें मिल गया 7/4 का ये स्क्वायर, गुना एच कितना है, एच देख लेते हैं, एच है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4, और इसे हल करेंगे 22/7 × 7/4 × 7/4 × 4। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 गुना और 2 से ये 11, तो ये आ गया 77/2, और 77 में 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 38.5, और इकाई क्या थी, सेंटीमीटर थी शायद, सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आशा है कि मैंने जो हिंट दिया, मैंने जो प्रश्नों को बनाया, इसके आधार पर बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं इसे आप आसानी से
बना लेंगे। धन्यवाद।